चुनावी रण में। आज हम मुद्दा लेकर आए हैं कि बेचारे मतदाता नेताओं से परेशान है। आखिर भाई क्यों परेशान है मतदाता नेताओं से? क्योंकि भारी भरकम गर्मी में चुनाव जो आने वाले हैं, इतनी गर्मी में अगर लोग दिन में सोते हैं तो नेता लोग खटखटाते हैं दरवाजा, जल्दी में अगर जाते हैं ट्रैफिक में तो ट्रैफिक में अपनी रैलियां निकाल निकाल कर बेचारे मतदाताओं को परेशान करते हैं। उसी बीच इस बात को चर्चित करने के लिए और बात हमारे बीच करने के लिए राजनीतिक समीक्षक और वरिष्ठ संपादक राजेश राठौर जी हमारे बीच मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सर भारी गर्मी आने वाली है, उस बीच चुनाव का आना मतदाताओं के लिए एक तरह से परेशानी का मामला है, तो सर उसके बीच आपका क्या कहना है, क्यों मतदाता परेशान हो जाते हैं इस भारी भरकम भीड़ में? मतदाताओं के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आधे से ज्यादा मतदाता तो इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब आप देखते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव है तो गर्मी हो रही है, इस भयावह गर्मी में मतदाताओं के घर पहुँचते हैं, दुकानों पर पहुँचते हैं कांग्रेस बीजेपी सारे दल के कार्यकर्ता और उनको परेशान करते हैं, उनको कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि हाँ कहिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, हम इस उम्मीदवार को ही वोट देंगे, बार बार आते हैं और उसके बाद अलग अलग तर्क देते हैं। आम मतदाता आज रोजी रोटी से परेशान है, आम मतदाता अपनी बेरोजगारी से परेशान है, आम मतदाता अपनी निजी परेशानियों से परेशान है, लेकिन नेताजी को क्या है, इन बातों से उनको क्या फर्क पड़ना है? नेताजी ने तो अपने कार्यकर्ता छोड़ दिए और अब तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा एनजीओ और उसके साथ साथ इवेंट कंपनी के कार्यकर्ता भी काम पर लग जाते हैं। तो ये जो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तरह का जो है माहौल बन चुका है, या यूं कहें कि जो जबरिया कोशिश की जाती है मतदाता को अपने पक्ष में करने की, उसके कारण मतदाता बहुत ज़्यादा परेशान है। और आम मतदाताओं का कहना है कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए या कोई भी दल आए, महंगाई कम होती नहीं है और बेरोजगारी कम होती नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती और हमारी रोजमर्रा की तकलीफों के लिए हमें सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देना पड़ती है, उसके बाद ही हमारे काम होते हैं। सर सबसे पहले हम एक और क्वेश्चन मैं आपसे चाहती हूँ, जैसे भारी भरकम भीड़ है, ट्रैफिक, जैसे अभी आपने बताया कि हमारा इंदौर क्लीनेस्ट नंबर वन है और अपराध मुक्त भी हो रहा है, और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाता है तो रैलियां निकालते हैं नेता लोग, तो उसका क्या कारण है? ट्रैफिक इसी वजह से बढ़ता है, पूरे देश भर में रैली और सभा करने का भी एक कॉम्पिटिशन चल पड़ा है जी। किसकी रैली में कितने लोग थे, किसके रोड शो में कितने लोग थे, किस सभा में कितने लोग थे, उसको अतिरंजित तरीके से प्रचारित कराया जाता है। ये कहा जाता है कि मोदी की रैली में इतनी भीड़ थी, राहुल की रैली में इतनी भीड़ थी, प्रियंका की रैली में इतनी भीड़ थी, अमित शाह की रैली में इतनी भीड़ थी, मायावती हो, अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, उनकी नेताओं की सभाओं में भीड़ को लेकर इतने बड़े दावे किए जाते हैं, लाखों रुपये खर्च किया जाता है। चुनाव आयोग इस पूरे मामले में नज़र रखने की धमकी और चेतावनी सब देता है, लेकिन जितना खर्च होता है उससे कम का बिल लगाकर सारे नेता खर्चा बताते हैं आयोग को, और आयोग उस खर्च को मान भी लेता है। तो दिक्कत ये होती है कि इन सभाओं के लिए भीड़ कहाँ से लाएं? तो सारी बस्तियों में कार्यकर्ता लग जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि आपको अनिवार्य रूप से चलना है जी। लोगों को लगभग धक्याते हुए बसों में भर भर के सभा स्थल तक ले जाते हैं, रैली स्थल तक ले जाते हैं, और लोग गरीब बस्ती के लोग ये देखिए कि एक मजाक बन चुके हैं। जिस तरह से चुनाव में गरीब बस्तियों में भीड़ होती है, उस तरह से बाकी समय कभी भीड़ नहीं मिलेगी। फिर गरीबों के झोपड़े जल जाए, फिर गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाए, गरीबों के बच्चे इलाज के अभाव में मर जाए, या गरीबों के ऊपर कोई संकट आ जाए, तो कोई भी नेताजी वहाँ नहीं जाते। ये नेताजी के साथ सबसे बड़ी समस्या है, नेताजी एक गंभीर रोग अपने आप में है, और ऐसा कहा जाता है कि ये नेताजी जिससे मिल ले उसको भी रोग हो जाता है। ये बड़ी समस्या है, हिंदुस्तान में ये पैटर्न को बंद कर देना चाहिए। सर एक मामला विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो ऐसा छोटे छोटे पार्षद हो या नगर अध्यक्ष हो या विधायक हो, इनकी रैलियों में लाखों करोड़ों लोग थे, तो सर क्या ये असर रहते हैं या बुलाए जाते हैं?
वास्तव में भीड़ अब आती नहीं है। एक समय था जब जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने आती थी, जयप्रकाश नारायण को लोग सुनने आते थे, राम मनोहर लोहिया को लोग सुनने आते थे, लेकिन अब नेता उतना प्रभाव नहीं डालते। अब जो नेता हैं वो तो विज्ञापन देना पड़ता है उनको कि आप हमारी सभा में आइए, रैली में आइए, जुलूस में आइए। अब नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पैसे देना पड़ते हैं कि भीड़ लेके आइए। लाखों लोगों की जो भीड़ होती है वो भीड़ सब ये मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा भीड़ जो है लाइव भी होती है और बाकी भीड़ उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं की होती है। कोई भी मतदाता जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मन से अपना दुकान बंद करके या घर से सब काम छोड़ के किसी नेता की सभा और रैली में अब नहीं जाता है। वो दौर चला गया क्योंकि नेताओं ने अपनी प्रतिष्ठा पर इतना ज़्यादा बट्टा लगा दिया है कि कोई भी नेता हो उसको लोग ईमानदार नहीं कहते, कोई भी नेता हो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, और कोई भी नेता हो लोग ये कहते हैं कि इनसे दूर रहने में ही फायदा है, ये किसी काम के नहीं। सर, जैसा कि चुनाव के एक या दो दिन पहले भी माहौल बाजार में आप देख सकते हैं, बहुत गर्मी का माहौल रहता है, आचार संहिता लग जाती है, तो सर ट्रैफिक जाम होता है, रात दिन में दरवाजा खटखटाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो सर इसका प्रभाव आगे पड़ सकता है? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि रैली, जुलूस और आम सभाओं के कारण जो इमरजेंसी सर्विस है, एम्बुलेंस जिसमें कोई पेशेंट जाता है उसको भी निकलने की जगह नहीं मिलती, और कई बार कई बेकसूर लोग अस्पताल जाने के पहले दम तोड़ चुके हैं। लेकिन मैंने कहा ना, नेताजी बेशर्म होते हैं, नेताजी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में वो बहुत सारे कुतर्क देते रहते हैं। ये नेताजी इतने ज़्यादा बेशर्म हैं कि अपने वोट के खातिर, अपने जनाधार के खातिर, अपना वजूद दिखाने के खातिर ये किसी भी कीमत पर जाते जा सकते हैं। क्या ये रैलियाँ बंद नहीं हो सकती? क्या ये रैलियाँ उन बड़े रोडों पर नहीं निकल सकती जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता? क्या ये सभाएं उन बड़े मैदानों में नहीं हो सकती जहां से आम जनता का जनजीवन प्रभावित न हो? क्या ये रोड शो वहां नहीं हो सकते जहां पर व्यावसायिक इलाका ज़्यादा ना हो? ऐसा कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन समस्या यही होती है कि जिन बाज़ारों में भीड़ होती है उस बाज़ार की भीड़ को भी अपनी भीड़ बताने के चक्कर में ये नेताजी उन्हीं इलाकों में सभा करते हैं, उन्हीं इलाकों में रैली और आम सभा करते हैं। ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि विदेशों में जो ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम है वो सबसे बेहतर सिस्टम है, और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि हर राजनीतिक दल को एक समय तय कर दिया जाता है, एक तय तारीख और समय के अनुसार ही उनको भाषण देने का मौका दिया जाता है, वहाँ के नेशनल चैनल पर वो लाइव होता है। जिन मतदाताओं को देखना होता है वो देख लेते हैं, जिनको नहीं देखना वो नहीं देखते हैं। वहाँ पर कोई मतदाता पर्ची नहीं बढ़ती है, वहाँ पर कोई पर्चे बांटने के लिए घर घर नहीं आता है, वहाँ पर कोई अखबारों में विज्ञापन नहीं छपते, वहाँ पर दीवारों को गंदा करते हुए नेताजी के नारे नहीं लिखे हुए देखे जा सकते, वहाँ पर तेज आवाज में साउंड बजाकर नेताजी के नारे लगते हुए कभी नहीं सुने और देखे जाते। हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर चुनाव के दौरान कान खराब करने से लेकर, ट्रैफिक खराब करने से लेकर, दिमाग खराब करने से लेकर, चिड़चिड़ापन करने से लेकर लोगों को व्यक्तिगत रूप से एक तरह से हट किया जाता है, लोग नफरत करते हैं। और वाकई जिन नेताजी के कारण जो व्यक्ति अपनी दुकान या ऑफिस घर से टाइम पर नहीं पहुंच पाता है उस नेताजी का नुकसान होता है कि उसको वो वोट नहीं डालता, लेकिन नेताजी बेशर्म है, नेताजी मानने को तैयार नहीं। मतलब सर आपका ये कहना है कि एक तरह से चुनाव राजनीति हमारा व्यापार बन गया है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सभा में बुलाने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। सर हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहता है कि जैसे विधानसभा चुनाव, मुझे पता लगा था कहीं सुर्खियों से जानकारी आई थी कि जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव है, उज्जैन जिला का हो, इंदौर जिले का हो, और अगर यहां का व्यक्ति कोई बाहर जाके बसता है, अहमदाबाद हो, गुजरात हो, तो वहां से उन लोगों को पैसे दे देकर वोट के लिए बुलाया जाता है, तो उस पर क्या ख्याल है सर आपका? बात बिल्कुल सही है कि कई बार कुछ लोकसभा सीटों या विधानसभा सीटों में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जीत का अंतर मामूली होता है, वहाँ पर अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता उन मतदाताओं को ढूंढते हैं जो बाहर चले गए,
उनको बुलवाया जाता है, उनसे वोट डलवाए जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि हमारी ही पार्टी को वोट देना क्योंकि हम आपको बुलवा रहे हैं। लाने ले जाने का खर्चा वो लोग उठाते हैं, ठहरने का खर्चा भी वो उठाते हैं, और इस तरह की जो घटना है वो सामान्य है। जिस दिन से चुनाव शुरू होता है और चुनाव समाप्त होता है उस दिन तक कार्यकर्ताओं के और आम जनता के भोजन भंडारे चलते रहते हैं, लाखों रुपए के गिफ्ट बांटे जाते हैं, लाखों रुपए की शराब बांटी जाती है, लाखों रुपए नगद भी बांटे जाते हैं, पर नेताजी बेशर्म हैं, उनको तो चुनाव जीतना है, इसलिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं, हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। सर, एक तरह से कहा जाए तो राजनीति और चुनाव एक तरह से व्यापार है, कि लोगों ने व्यापार खोल लिया है, लोगों को वोट दे रहा, अगर अपने पार्टी में वोट दे रहा है तो उनको पैसे, शराब और सब कुछ दिया जाता है, कुछ कहा तो कहीं नौकरी भी मिल जाती है। तो देखा आपने किस तरह बताया कि नेता लोग बेशर्म होते हैं, वे अपने अपने आप को जिताने के लिए, वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो घमासान.com आपको देता रहेगा चुनाव से जुड़ी हर जानकारी। आप लोग देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।